हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुमल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाकाहारी सब्जी नवरात्रा की। तो यहाँ मैंने 6 आलू बॉईल कर लिए, एक टमाटर काट लिया और एक हरी मिर्ची, और यह मैंने ले लिए रेड चिली फ्लेक्स और यहाँ धनिया। कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दी है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, लगभग 2 चम्मच के लगभग, 1 बड़ा चम्मच। तो इसी में मैंने जीरा ऐड कर दिया है। तो तेल गरम हो चुका है, हरी मिर्ची मैंने डाल दी, अब मैं डालूंगी आलू। तो मैंने आलू डाल दिए इसमें, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा भी नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी, एक पिंच के हिसाब से। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच काला नमक, और अब मैं डालूंगी धनिया पत्ती। तो मैंने धनिया पत्ती डाल दी है और ये सब्जी बनके तैयार है। तो ये देखिए शाकाहारी बनके सब्जी बनके तैयार है। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, ज़रूर बनाएं और खाएं। और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।